हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ इजी साबूदाना खिचड़ी, जो बहुत ही टेस्टी है और नॉन स्टिकी भी है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने एक कप साबूदाना लिया है। इसे मैं 2 से 3 बार वॉश कर लूँगी अच्छे से। हम एक्सेस वाटर ड्रेन करेंगे। अब इसके बाद हम इतने क्वांटिटी ऑफ वाटर डालेंगे कि हमारा साबूदाना बस कवर होए पानी से। मैंने यहाँ पर खाली आधा कप डाला है और मेरा साबूदाना पानी से कवर हो चुका है। अब मैं इसे ढक के रखूँगी ओवरनाइट या 5 से 6 घंटे। अब मैं आपको बताती हूँ कि 5 से 6 घंटे भिगाने के बाद ये कैसे दिखता है। ये देखिए कितना खिला खिला हुआ है हमारा साबूदाना, और क्योंकि हमने पानी ज़्यादा नहीं डाला था तो ये चिपचिप भी नहीं है। अब इसमें हम पिसा हुआ मूंगफली का पाउडर डालेंगे। मैंने मूंगफली हल्का सा ड्राई रोस्ट किया था, उसे छिलका निकाल के हम मिक्सी में पीस लेंगे। अब जब मैं मिला रही हूँ तो मेरे को थोड़ा सा कम लगा है, इसलिए मैंने ऊपर से और 1-2 चम्मच डाला है, और फिर से हम अच्छे से मिला लेंगे साबूदाना में। अब क्योंकि ये उपास का है तो हम इसमें सेंधा नमक डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप ये स्टेज पे कम भी डालना चाहे तो डाल सकते हो। अगर आप साबूदाना बनाते समय अगर आपको लगे कि नमक कम है तो आप तभी भी डाल सकते हो। अब मैं यहाँ पर 5 से 6 मिर्ची ली हूँ, इसे मिक्सी में दरदरा पीसाना है। अब आपके टेस्ट के अनुसार आप मिर्ची एडजस्ट कर सकते हो। यदि आपका मिर्ची काफ़ी तेज है तो आप कम क्वांटिटी डाल सकते हो। यदि आपको ये स्किप करना है तो ये स्किप कर सकते हो। यहाँ पर मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाला है। अब मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी ताकि सब अच्छे से मिल जाए। अगर आपको मिर्ची का पेस्ट नहीं डालना है तो आप डायरेक्ट तेल में ज़ीरा डालने के बाद भी आप मिर्ची काट के डाल सकते हो। अच्छे से मिला लिया है, इसे हम एक साइड में रख देंगे। अब हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे करीबन 2 से 3 चम्मच। इसमें मैं 1 चम्मच जीरा डालूंगी। अब हम इसमें 1 आलू डालेंगे मीडियम साइज का, बारीक कटा हुआ, और अच्छे से मिला लेंगे। इसे बारीक काटा इसलिए गया है क्योंकि इसे टाइम ज़्यादा ना लगे पकने के लिए। यदि आप मोटा आलू डालोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा पकने के लिए। अब क्योंकि आलू में कोई सॉल्ट नहीं है, टेस्ट नहीं आएगा, इसके थोड़ा सा चुटकी हम सेंधा नमक डालेंगे। यदि आपको आलू में फ्लेवर हो मिर्ची का तो आप थोड़ा सा मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं, या तो फिर आप बारीक कटा हुआ मिर्ची, या तो फिर जो मैंने अभी पेस्ट बनाया है मिर्ची का हम वो भी डाल सकते हैं, और अच्छे से मिला लेंगे। हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक हमारा आलू पक ना जाए। ये हमें ध्यान रखना है कि हमें ये सिम आँच में ही करना है। हाई आँच में करोगे तो वो जल जाएगा। अब जैसे आलू पक जाए हम इसमें हमारा जो साबूदाना मिला हुआ था अब उसमें डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी का छिड़काव करेंगे ताकि हमारा साबूदाना पके। यदि आपको लगे कि आपके साबूदाने में थोड़ा पानी एक्स्ट्रा है तो ये पार्ट्स आप स्किप कर सकते हैं। मेरा साबूदाना थोड़ा ड्राई है इसके लिए मैं डाली हूँ, ज़्यादा नहीं, और इसे ढक के हम पकाएंगे करीबन 2 से 3 मिनट लो फ्लेम में। फिर से हम एक बार चेक करेंगे बीच में। चेक करने के बाद फिर से हम इसे 2 से 3 मिनट ढक के पकाएंगे। अब हम खोल के देखेंगे, हमारा साबूदाना एकदम रेडी है। देखिए कितना खिला खिला बना हुआ है। आप ज़रूर से ट्राई कीजिए,
इसमें एक तो कम तेल डालिए और भिगाते हुए पानी भी कम डालिए, तो आपका साबूदाना ऐसे ही खिला हुआ बनेगा। यदि आप चाहें तो थोड़ा सा हल्का सा आप शुगर भी इसे इसमें स्प्रिंकल कर सकते हैं। हम हरे धनिया डाल के इसे एक बार फिर से मिला लेंगे और सर्व करेंगे। होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।